स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कृषि क्लासेस एज यूजुअल शशि चौहान। ओके, सो अभी आज हमने अपनी लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि एंटैंगलमेंट के बेस पर ओव्यूल के कितने टाइप्स होते हैं। हमने एंटैंगलमेंट के बेस पर क्या देखा था कि ओव्यूल के थ्री टाइप्स होते हैं, एक यूनिसेगमेंटिक होता था और दूसरा बाईसेगमेंटिक और तीसरा इनसेगमेंटिक। ओके, तो ये तीन देखे थे जिसमें से हमने देखा था कि एक लेयर थे यूनिसेगमेंट में और बाई सेगमेंट में हमने देखा था टू लेयर थे और ए सेगमेंटिक में देखा था कि इसमें सेगमेंट लेयर यानी कि इंटैगमेंट लेयर जो थी वो क्या थी, एब्सेंट थी। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि अभी हम ओव्यूल के टाइप भी देखेंगे बट किसके बेस पे, ये देखिएगा किसके, ये हम पोजिशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल फोलिकल इनके बेस पे और साथ में डिग्री ऑफ कर्वेचर इसके बेस पे देखेंगे कि ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं। हमने पहले लिख दिया कि इनके बेस पे ओव्यूल जो होते हैं वो सिक्स टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या हमने देखा कि पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल बॉडी ओव्यूल के बॉडी के पोजीशन पे फोलिकल एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर के बेस पर ओव्यूल को फर्दर सिक्स टाइप में कन्वर्ट किया गया है। सो पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल क्या है, इसमें देखिएगा इसमें कह रहा है कि द माइक्रोपाइल चलेजा एंड फोलिकल, ये तीन चीज ध्यान देखिएगा, माइक्रोपाइल चलेजा एंड फोलिकल जब स्ट्रेट लाइन पे हो, कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे एम्बेडेड हो या आती हो उनको हम बोलेंगे क्या चीज, ऑर्थोट्रोपस। यानी देखिएगा इधर आपका माइक्रोपाइल चलेजा एंड फोलिकल ये सब के सब कहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन पे है, दिखाई दे रहा आपका, ये स्ट्रेट लाइन पे आ रही है, लिख रहा है ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हो तो इस तरह की ओरिएंटेशन ऑफ ओव्यूल करते हैं, कहते हैं क्या, ऑर्थोट्रोपस। ओके, इसके अलावा देखिएगा ये एक अंदर लाइन क्या है, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। ये क्या कह रहा है कि ये सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल का टाइप है, यानी कि जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम जो प्लांट्स हुआ करते थे उसमें जो ओवरी का ओव्यूलेशन सॉरी ओरिएंटेशन हुआ करता था वो ऑलमोस्ट ऑर्थोट्रोपस हुआ करता था। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हमने साइकस दिया है, हमने जाना पहचाना आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि होता क्या है। वैसे आप साइकस का ओव्यूल लीजिएगा और उसमें आप देखिएगा माइक्रोपाइल चलेजा और फोलिकल ये तीनों एक ही लाइन पे यानी कि लीनियर बेस पे मौजूद होंगे। ठीक है, आपको इजिली समझ में आएगा इसलिए हमने साइकस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या है, ये देखिए एनाट्रोपस को हम पहले ओरिएंटेशन की कर्वेचर ओरिएंटेशन कर्वेचर के बेस पे देखेंगे, यानी कि ओव्यूल जो होता है वो 180 डिग्री पे मौजूद होता है। ठीक है, टर्न होता है, सॉरी मौजूद से ज्यादा बेस्ट होना कहना, क्या ये वर्ड टर्न, इट मीन्स क्या, ये देखिएगा आप यहाँ से देखिए लाइन देख रहे हैं। ओके, ये देखिए कहाँ से टर्न है, तो ये 180 डिग्री पर ट्विस्टेड है, ये देखिएगा 180 डिग्री पे ट्विस्टेड है, यही तो है 180 डिग्री, यही तो होता है 180 डिग्री एंगल, ये क्या है 180 डिग्री पे ये ट्विस्टेड है। पहली पॉइंट क्या कह रहा है कि द ओव्यूल टर्न एट 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लाइन कह रहा है कि दस इट इज इन्वर्टेड ओव्यूल, ये क्या है दूसरी पॉइंट में क्या है कि ये ओव्यूल जो होता है वो इन्वर्टेड इट मीन्स की उल्टा होता है। अभी हमने देखा था कि अपवर्ड था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में था इससे पहले, अब क्या हो गया कि ये 180 डिग्री पे ट्विस्ट हो गया, टर्न हो गया और टर्न होने की वजह से ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, ये ऐसे की वजह ऐसे हो गया, इज इट क्लियर दैट। आगे देखिए क्या चीज कि माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द हाइलम, देखिएगा हमने क्या बताया था, हाइलम यही तो था, ये माइक्रोपाइल जो है वो हाइलम से क्लोज होता है या फिर कभी कभार तो ये हाइलम पे ही होता है, देखिएगा कि लाइज क्लोज टू द हाइलम और एट द साइड ऑफ द हाइलम, क्या कह रहा है, या तो कि क्या माइक्रोपाइल जो है हाइलम के क्लोज जो है या फिर इसके साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखने वाली चीज है, क्या चीज की हाइलम सॉरी माइक्रोपाइल जो होती है वो हाइलम के क्लोज होती है या फिर इसके साइड में होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म फैमिली, मैंने पहले भी बताया है कि एंजियोस्पर्म क्या है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स हैं। ओके, तो अप्रोक्स 82% एंजियोस्पर्म्स के एंजियोस्पर्म्स फैमिली अभी तक जो है कॉइन हो चुकी है, डिस्कवर्ड हो चुकी है। ओके, और उनके जो ओव्यूल
ओरिएंटेशन होता है वो इन्वर्टेड 180 डिग्री होता है. ओके ध्यान रखिएगा. एंड एंजियोस्पर्म एज लाइक मैंगो ग्वावा ये सभी के सभी क्या है एंजियोस्पर्म प्लांट है. जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सभी के सभी एंजियोस्पर्म है. इट्स मीन्स की सब इन सब की जो ओव्यूल की ओरिएंटेशन होगी वो इन्वर्टेड होगी 180 डिग्री पे. ओके नेक्स्ट थर्ड है हेमी एंड ट्रपस. ठीक है हेमी एंड ट्रपस ओव्यूल का ओरिएंटेशन शायद क्या है देखिएगा. इसमें क्या होता है ओव्यूल जो होती है वो 90 डिग्री पर ट्विस्ट होती है. कहाँ पे 90 डिग्री एंगल पर ट्विस्ट होती है लाइन देखिएगा. ठीक और कहाँ कहाँ थी अपॉन द फ्यूनिकल. कहाँ पे फ्यूनिकल के जस्ट ऊपर ये देखिएगा आपका ये तो फ्यूनिकल है फ्यूनिकल के जस्ट ऊपर. और 90 डिग्री देखा जाए तो ओरिएंटेशन क्या है इसका ये देखिए ये 90 डिग्री पे है ये देखिएगा ये दिख रहा है आपको 90 डिग्री पे ये ट्विस्टेड होती है. ट्विस्टेड देखिए ट्विस्टिंग देखिएगा ये 90 डिग्री पे है ये टर्न नहीं है 90 डिग्री पे ही बैंड है. ओके या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं सॉरी एक ऐसा भी होता है कि ये देखिएगा ये 90 डिग्री ओरिएंटेड है. ठीक है लेकिन ऑलमोस्ट इफ फ्यूनिकल से बोला है तो फ्यूनिकल यही से होगा ये 90 डिग्री ओरिएंटेड यही से होगा. ओके मीन्स क्या ये देखिए 90 डिग्री ओरिएंटेशन फ्यूनिकल के जस्ट ऊपर. ठीक है और बॉडी ऑफ ओव्यूल एट द राइट एंगल ऑफ द फ्यूनिकल. ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है इसके राइट एंगल ऑफ फ्यूनिकल फ्यूनिकल के राइट एंगल पे ही मौजूद होता है. इसका एग्जाम्पल है रेनिकुलस. रेनिकुलस को नॉर्मली हम बटर क्रॉप भी बोलते हैं. रेनिकुलस ही फैमिली का ये मेंबर है. ओके स्टूडेंट्स ये देखने में बिल्कुल रोज जैसा होगा. इस फ्लावर को आप जो है जब थोड़ी सर्च करिएगा देखिएगा ये बिल्कुल रोज की तरह दिखाई देने वाला है फ्लावर. एक हाइब्रिड फ्लावर है. ठीक है रेनिकुलेसिस की फैमिली है. रेनिकुलस ये इसका साइंटिफिक नेम है. ओके स्टूडेंट्स ये क्या एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका ओरिएंटेशन 90 डिग्री का होता है. ये क्या है हेमी एंड ट्रपस. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कैमाइलोट्रोपस. ठीक है कैमाइलोट्रोपस में देखिए क्या हो रहा है कि ओव्यूल इज कर्व्ड मोर और लेस एट द 90 डिग्री. इट्स मींस क्या या तो ये 90 डिग्री पे या तो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होगा या फिर लेस ट्विस्ट होगा. ठीक है मतलब ये प्रॉपर 90 डिग्री पे नहीं होगा. ठीक है ये कहाँ पे होगा थोड़ी सी 90 डिग्री से या तो अधिक होगा या तो कम होगा देखिएगा. ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है टू द फ्यूनिकल. कहाँ से फ्यूनिकल ये देखिएगा फ्यूनिकल से ये 90 डिग्री अप्रोक्स कम्प्लीट 90 डिग्री पे नहीं है हल्का सा क्या है ये ऐसे है देखिएगा ये इस फॉर्म में है. ठीक 90 डिग्री में ये ऐसे हो रहा था. ठीक है और इसमें देखिएगा ये हल्का सा ट्विस्टेड है इस तरीके से. ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट देखिएगा माइक्रोपाइल एंड इज बैंड डाउन स्लाइटली. देखिएगा माइक्रोपाइल जो है हल्का सा नीचे की तरह क्या है बैंड है. देखिएगा ये लाइन वही चीज कह रहा है कि माइक्रोपाइल एंड बैंड डाउन स्लाइटली ये नीचे की तरह हल्का सा झुका हुआ है. ये माइक्रोपाइल स्पेशली देखिएगा अधिकतर निकला हुआ नीचे की तरह का झुका हुआ. ओके नेक्स्ट देखिएगा सॉरी नेक्स्ट लाइन नहीं है यहाँ पे हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है कि जितने भी लेगोमिनस मेंबर्स हैं लेगोमिनस मेंबर इन द सेंस कि जितने भी दाल दलहन वाली पौधे होती हैं इट्स मींस कि डाइकॉट जितने भी प्लांट है सबके सब लेगोमिनेसी फैमिली के मेंबर होते हैं. ठीक है तो जितने भी लेगोमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं उनमें ये ओरिएंटेशन उनके ओव्यूल में ओरिएंटेशन देखने को मिलेगी. और दूसरा क्रूसीफर बेस्ट एग्जाम्पल मस्टर्ड. ओके मीन्स कि ऐसे जिसमें क्या नाम है क्रिस क्रॉस ओरिएंटेशन होती पेटल्स की अरेंजमेंट की वो क्रूसीफर होती है. इसको और अच्छे से फैमिली के बारे में आपको जानना है तो हमारे क्लास 11th के वीडियो में आप विजिट करिए. ओके फिलहाल अभी हमने आपको वैसे यहाँ क्लियर कर भी दिया है कि लेगोमिनेसी फैमिली के मेंबर वो होते हैं जो कि डाइकॉट मेंबर्स होते हैं. ठीक है और ये क्रूसीफर जो होता है वो मस्टर्ड से एग्जाम्पल है. इसमें पेटल्स की ओरिएंटेशन जो होती है वो क्रिस क्रॉस मैनर में होती है दैट्स व्हाई इट्स नेम इज क्रूसीफर्स. ओके स्टूडेंट्स सो पॉइंट दैट इज क्लियर ऑन दैट पॉइंट. ओके ना नेक्स्ट हम आते हैं एम्फीट्रोपस. देखिएगा ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रियो सेल. क्या ओव्यूल के साथ साथ एम्ब्रियो सेल ये दोनों क्या होते हैं वो कर्व्ड होते हैं और किसकी तरह हॉर्सशू लाइक. कैसा हॉर्सशू लाइक का मतलब हुआ कि घोड़े की नाल जैसा. देखिएगा ओव्यूल जो होता है ओव्यूल के साथ साथ एम्ब्रियो ये दोनों के दोनों कर्व्ड होते हैं कैसे हॉर्सशू शेप. ये देखिएगा घोड़े का नाल आपने देखा होगा किनारे देखिएगा
ये हार्शो मैग्नेट आपने देखा भी होगा, ये कुछ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, घोड़े की नाक ऐसे होती है। ठीक ऐसा ही इसका इम्ब्रियो और ओव्यूल दोनों का दोनों ऐसे ही ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लमना, पॉपी, किसी, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। पॉपी भी आपने देखा होगा, कोसला दाना जो मसालों में पड़ता है, ठीक है, और भी इसकी बहुत सारे यूजेस हैं। पॉपी के दानों से क्या नाम है, मफिन्स वगैरह भी बनाई जाती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लास्ट इज व्हाट, लास्ट इज सर्सिनोट्रोपस। ओके, ये ओव्यूल की ओरिएंटेशन का लास्ट है, छठवां है सर्सिनोट्रोपस। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ओव्यूल जो होता है स्टूडेंट्स, ये मोर देन 360 डिग्री ट्विस्टेड होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, द ओव्यूल टर्न एट मोर देन 360 डिग्री, इट मींस क्या कि इसका ओरिएंटेशन जो होता है 360 डिग्री से भी ज्यादा होता है। ओके, सो फ्यूनिकल बिकम क्वाइट अराउंड द ओव्यूल, क्या होता है, तो जो फ्यूनिकल होता है वो ओव्यूल के चारों तरफ राउंडेड हो जाता है। इट मींस क्या कि आप देखे होंगे ये पिक्चर बिल्कुल क्या है, ऐसे रोस्टेड है, ये पूरा का पूरा ऐसे राउंडेड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, सो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि फ्यूनिकल कंप्लीटली ओव्यूल को रैप कर लिया, राउंड कर लिया, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो एग्जांपल में देखिए अपंचिया है, कैक्टस, कैक्टसी फैमिली यानी कि कैक्टस है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। सो स्टूडेंट आज जो है हमने सिर्फ ये देखा कि कैसे फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और बॉडी के बेस पर ओव्यूल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कल हम फ्रेशली देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके ना।